और अब जो आपको कहानी बताने जा रहे हैं, इसमें सात कत्ल हैं, एक गुनाहगार बेटी है, लेकिन एक बेकसूर बेटा भी है। बेटा अपनी जिंदगी की शुरुआती 6 साल अपनी माँ के साथ जेल में बिता चुका है। अब वो 13 साल का हो चुका है और अपने संरक्षक माता पिता के साथ रहता है। वो 13 साल का बेटा अपनी माँ को 7 खून से माफी की मांग कर रहा है। ये मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले का है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव के इस घर में ऐसा क्या खास है कि आज 2021 में भी एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। आसपास के लोग जब तब यहां जमा होते हैं, इस घर को देखने के लिए आते हैं। 2008 में है उसकी जड़ें और 2008 में इस साधारण से दिखने वाले घर के अंदर कुछ ऐसा हुआ था जिसने पूरे देश को दहला दिया था। अब हम आपको उसी घर में लेकर चलते हैं। यहाँ उनकी यहाँ पलंग था उनका जी, और शबनम की चाची, वो शबनम की अम्मी उसमें सो रही थी उधर। अच्छा हाँ। और दोनों भाई एक भाई इसमें था, बड़ा वाला इंजीनियर, इस कमरे में था। एक बेटा था उसका, वाइफ थी और वो था। वो तीनों इस कमरे में सो रहे थे। तो जो जहाँ सो रहा था उसका वहीं कत्ल हुआ है। हाँ, यही बेड बिक रहा था और यहीं पे कत्ल हुआ था। यही जो उनसे बेटे कर रहा था जी, वो इसमें था। छोटा भाई जो पढ़ाई कर रहा है। वाला दिल नहीं दुखा बिल्कुल नहीं यार। तुम लोग बताओ, कहीं भाग सकते थे? सलीम बता रहा था कि उसने भागने के लिए कहा था तुमसे। एक जुनून था बस। क्राइम ऑफ पैशन, ये बात हमने कई बार सुनी है, यानी कि जुनून में आकर किए गए कत्ल, उसकी इससे बड़ी बानगी कोई और नहीं हो सकती। पिता टीचर थे, पढ़े लिखे परिवार से थी और एक लड़के से इश्क के चक्कर में उसने ये नहीं सोचा कि ये मेरे अपने माँ बाप हैं, ये मेरा अपना भाई है, ये मेरी अपनी भाभी है। वो 11 महीने का मासूम है जो शायद बोल भी नहीं पाएगा, उसे छोड़ा जा सकता है। छोटा भाई बीटेक कर रहा था और इसीलिए इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया और इसीलिए शबनम और सलीम दोनों के लिए फांसी की सज़ा तय हुई। हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा था क्योंकि शबनम ने उसको जेल में रहते हुए भी एक शानदार परवरिश दी थी और उस गंदगी के माहौल में भी वो बहुत अच्छे से रहता था, अच्छे से बातें करता था और वहाँ की अच्छी अच्छी चीज़ें ही वो सीखा था। गलत सी चीज़ों से वो हमेशा दूर रहा है। मम्मा से तो मैं बहुत बार मिला हूँ, हर 3 महीने के बाद जाते हैं और इस जनवरी में भी हम गए थे इसी वाले 2021 को। और मम्मा जब जाते हो तो गले लगा लेती हैं और कहती हैं कि बेटा कैसे हो, स्कूल में क्या चल रहा है, स्कूल कब भूल रहे हैं। मम्मा पापा को परेशान तो नहीं करते, पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छे से पढ़ना। ये अभी जैसे आपकी मम्मा को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि फांसी हो सकती है या फिर से मामला है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें फांसी ना हो। 7 खून, 13 वर्ष और एक मासूम बेटा। बेटे को मां मिलेगी या शबनम के अपराध की सजा फांसी ही होगी? क्या बेटे की अपील पर 7 खून माफ हो जाएंगे या कानून का फैसला बरकरार रहेगा? आपने ये तो सुना कि शबनम का गुनाह क्या है, लेकिन अब एक बेटा पूछ रहा है कि मेरा गुनाह क्या है। नन्हे हाथों से इस बच्चे ने तख्ती पर राष्ट्रपति के नाम जो अपील लिखी है, उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अभी जैसे आपकी मम्मा को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि फांसी हो सकती है या फिर से मामला है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि उन्हें फांसी ना हो। क्यों? क्योंकि वो मेरी मम्मा इसलिए। दिसंबर 2008 में ये बच्चा जेल में पैदा हुआ। कानून के मुताबिक 6 वर्ष तक बच्चे को माँ के साथ ही रखा जाता है, इसीलिए 6 वर्ष इसने अपनी माँ के साथ जेल में बिताए। माँ के साथ सुख दुख साझा किए, जेल का जीवन देखा, बचपन वहीं बिताया। ये बच्चा अब 13 वर्ष का है। अब इसकी एक हस्ती खेलती जिंदगी है और माँ बाप से बढ़कर चाहने वाले संरक्षक हैं। लेकिन इस बच्चे की असली माँ सलाखों के पीछे है और माँ कैसी भी हो, वो माँ ही होती है।
छह साल और सात महीने का वक्त बिताने के बाद इस बच्चे की जिंदगी का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। बच्चा जेल में नहीं रह सकता था, लेकिन उसे अपनाने के लिए न शबनम के परिवार में बचे उसके चाचा चाची तैयार थे और न ही सलीम के घर वाले। बच्चे की कस्टडी के लिए पति पत्नी उस्मान और वंदना आगे आए। उस्मान शबनम के कॉलेज में उससे दो साल जूनियर थे। यहाँ से इस मासूम की नई जिंदगी शुरू हुई। जो शबनम ने किया है, सही माने में शबनम को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी अपराध हुआ है वो बहुत ही जघन्य अपराध है और इसके लिए फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। लेकिन जब हम उसको देखते हैं तो एक माँ का जिंदा रहना उसकी परवरिश के लिए बहुत ज़रूरी है। आज ये बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, अच्छी परवरिश में पल रहा है, लेकिन इसकी बड़ी माँ यानी वंदना का कहना है कि ये बच्चा आज भी दोहरी जिंदगी जी रहा है, जेल से पहले की और जेल के बाद की। हमेशा यही होता है कि अब हो सकता है कि वहाँ हमने रिव्यू पिटीशन डाली हुई थी वो कैंसिल हो गई है, हो सकता है फांसी के ऑर्डर आ जाएं, लेकिन ये जो अभी हुआ है तीन दिन में इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। इस बार थोड़ी सी घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इस टाइम उस पोजीशन पे हैं कि वो हर चीज़ को समझते हैं गहराई से, 12 साल के हैं वो, तो ये समझ में नहीं आ रहा अगर कल को फाइनल डिसीजन आ जाता है कि फांसी हो जाएगी, डेट मुकर्रर हो जाएगी, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगी। इस बीच अमरोहा के बावनखेड़ी गांव के इस घर में एक बार फिर हलचल है। अब यहां शबनम के चाचा चाची रहते हैं। 13 वर्ष बीतने के बाद इस वारदात के जख्म शायद थोड़े धुंधले पड़ चुके हैं, इसीलिए अब परिवार और पड़ोसी ये मांग कर रहे हैं कि शबनम को फांसी ना दी जाए। कि बेटी है उसको लेकर कभी कोई हमदर्दी आई मन में या ये लगा कि फांसी ना बेटी हो? है तो क्या हमदर्दी है, फिर भी जब कोर्ट के आदेश ऐसे हैं तो हम क्या करें। आप तो उस वक्त से पहले भी शबनम को जानते रहे होंगे, तब छोटी बच्ची थी, 17 साल की थी उस वक्त, तब ऐसा लगा था ये लड़की ऐसा कर सकती है? ऐसा नहीं है। तो आपका मन क्या कहता है, 2008 में एक हादसा हुआ है, क्या आप उसे भूल जाना चाहिए क्योंकि 13 साल गुजर चुके हैं इसलिए जख्म या हरे नहीं हैं, लेकिन क्या ये फैसला बाकियों के लिए नज़ीर नहीं बनेगा? इसी के बीच में अभी भी शबनम को लेकर एक दया याचिका राज्यपाल के पास है और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि फांसी होगी या नहीं होगी, और अगर शबनम को होगी तो सलीम का क्या होगा, अगर शबनम बच जाएगी तो क्या वही फैसला सलीम पर भी लागू कर दिया जाएगा। इन सब के बीच में है बहुत सारी कानूनी अड़चनें, लेकिन आप ज़रूर सोचिएगा कि ऐसे एक केस को सुनने के बाद जिसमें घर की एक बेटी अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर के 7 लोगों का कत्ल करने में शामिल रही हो, उसको लेकर क्या साल गुजरने के बाद फैसला बदल जाना चाहिए या नहीं, यही सवाल इस वक्त अदालत के भी सामने है। हमारे मन में यही है आजीवन कारावास कर दिया जाए, उसे फांसी की सजा ना हो। ना, दिल पे बहुत दुखन हो रही है इस बात में, वो तो मरी गए, ये तो जीवित ही रहे, दुनिया में कहीं भी रहेगी तो जिंदगी।